गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th के लिए और चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पॉलिनोमियल के ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे जो क्लास 10th के अंदर सेकंड जो चैप्टर है पॉलिनोमियल जो 2.1 एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 जो आएगी उसको करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। तो इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि आपको अपना मेन जो टारगेट है वो ओनली ऑन एक्सरसाइज को सोल्व करने के ऊपर ही नहीं लगाना है। आपने जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी एक्सरसाइज हो, उन एक्सरसाइज के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में यूज होते हैं, अगर उस एक्सरसाइज में यूज होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हम एक्सरसाइज को, अगर सेल्फ खुद की ही बात करूं तो 60 to 70% हमारे डाउट वैसे ही सोल्व हो जाते हैं। बाकी रही बात 30 to 20% डाउट की, तो वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके या अपने टीचर्स से पूछ के अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और वही बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1 में जो है यूज होंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल का ही कॉन्सेप्ट आता है। अगर पॉलिनोमियल का हिंदी मीनिंग हम समझें तो इसका हिंदी मीनिंग हमारे पास क्या होता है? बहुपद। बहुपद यानी कि दो या दो से ज्यादा हमारे पास क्या हो? टर्म्स हो, पद हो, तो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। लेकिन हमने पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा था, 9th क्लास में भी हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए थे। उसे चैप्टर के अंदर हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने समझी थी, पॉलिनोमियल को डिनोट किससे किया जाता है वो भी हमने वहाँ पर पढ़ा था, समझा था, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी और पॉलिनोमियल की टाइप्स भी हमने पढ़ी थी, और इनके वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ द जीरोज ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन वो सारा जो कॉन्सेप्ट जो है, सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्टली यूज होगा। यानी कि उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को, अगर जहां तक इसकी नोटेशन की बात आती है कि पॉलिनोमियल को किससे डिनोट किया जाता है, तो पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स से। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करो, आप इसको आर ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको क्यू ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको टी ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको जेड ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पी जो लेटर है, इस पी लेटर को छोड़कर इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें से किसी एक अल्फाबेट्स को लेके आप पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बात है, वहाँ पर जनरली पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हमें पी ऑफ एक्स इस नोटेशन की फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसको आर ऑफ एक्स से, क्यू ऑफ एक्स से, टी ऑफ एक्स से, जेड ऑफ एक्स से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जब भी हम पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें दो टर्म्स चाहिए होती हैं। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म हमें कौन सी चाहिए? फर्स्ट टर्म हमें चाहिए वेरिएबल की, और सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड टर्म हमें कौन सा चाहिए? सेकंड टर्म हमें चाहिए कॉन्स्टेंट। अगर हमारे पास वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट भी है तो हम पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब क्लास 10th के मैथ्स के अंदर
वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल्स जनरली हमें किस टाइप के मिलेंगे, वो मिलेंगे एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस, यानी कि इंग्लिश से के जो 26 अल्फाबेट्स हैं उन्हें 26 अल्फाबेट्स में लास्ट के जो लेटर आते हैं एक्स वाई जेड जो लेटर आता है, यू वी जो लेटर आता है, ये हमें वेरिएबल में देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां तक कांस्टेंट की बात है, कांस्टेंट में क्या देखने को मिलेगा हमें, जो स्टार्टिंग के जो लेटर हैं लाइक एज स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमें कांस्टेंट की टर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन दैट इज नॉट कंपलसरी, द वेरिएबल आर परमानेंटली डिनोटेड बाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर एंड स्मॉल एस। ये कंपलसरी नहीं है कि वेरिएबल्स को हम इन्हीं लेटर से डिनोट करें, हम वेरिएबल्स को जो कांस्टेंट के जो कांस्टेंट जो हमने नोटेशन लिखी है कांस्टेंट की, इनको भी हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, और जो वेरिएबल जो मैंने लिखे हैं इनको हम कांस्टेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि वेरिएबल को आपने एक्स से ही डिनोट करना है, वाई से ही करना है, जेड से ही करना है, पी क्यू आर एस आपने इनसे ही इनको डिनोट करना है। आप इनको ए बी सी डी से भी डिनोट कर सकते हो, कांस्टेंट को आप एक्स वाई जेड से भी डिनोट कर सकते हो, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। लेकिन मोस्टली हमें मैथमेटिक्स के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स वाई जेड की ही फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और जो कांस्टेंट है वो ए बी सी डी ई एफ इनकी ही फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पॉलिनोमियल के वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें मिलता है इसकी जनरल फॉर्म का। तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल फॉर्म राइट करता हूँ कि पॉलिनोमियल को हम जनरली किस टाइप से इसको राइट करते हैं, किस टाइप से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं। तो मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर टर्म्स हैं, प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर टू प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर वन और प्लस ए जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो। अब एक्स रेज टू पावर जीरो किसके इक्वल होता है? अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो तो वो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल। तो यहाँ पर हम एक्स रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन अगर ये रिजल्ट पुट करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या आएगा? वो आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर टू प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर वन और प्लस ए जीरो। अब ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है इस जनरल फॉर्म के अंदर मैंने सारे प्लस के साइन जो है वो मैंने यूज किया है, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस के साइन भी देखने को मिल जाएंगे, माइनस के साइन भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, प्लस और माइनस ये दोनों साइन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस यानी कि साइन या तो प्लस का मिलेगा या फिर आपको माइनस का मिलेगा, कोई भी दो टर्म अगर कनेक्टेड मिलेंगे विद पॉजिटिव साइन और विद नेगेटिव साइन, दोनों साइन भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने किन्हीं भी दो टर्म में पॉजिटिव भी लगा दिया और नेगेटिव भी लगा दिया, या तो वो दो टर्म प्लस से कनेक्ट मिलेंगे या फिर वो माइनस से कनेक्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस माइनस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, फर्स्ट फॉर्म मैंने जनरली राइट की थी, सेकंड फॉर्म मैंने एक्स रेज टू पावर जीरो की वैल्यू पुट करने के बाद इसको राइट किया था। तो हमने इनके अंदर क्या देखा कि सबसे पहले मैंने वो टर्म लिखी जिस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर लार्जेस्ट है,
उसके बाद मैंने वो टर्म लिखी जिस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर फर्स्ट टर्म से क्या है, लेस है। इसके बाद सेकंड टर्म से लेस पावर वाली जो टर्म है फिर मैंने वो लिखी। कंटिन्यूसली मैं इस टाइप से लिखता गया और लास्ट में मेरे पास वो टर्म आई जिस टर्म में वेरिएबल की पावर सबसे कम हो, यानी कि यहाँ पर क्या है, जीरो है। लेकिन अब यहाँ पर भी ये कंपलसरी नहीं है। मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिया बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2x² प्लस एक्स और प्लस 1। ये मैंने एक पॉलिनोमियल राइट किया। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले मैंने वो टर्म लिखी है जिस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है। उसके बाद मैंने कौन सी टर्म लिखी जिस टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर सबसे लार्जेस्ट वाली पावर से क्या है, लेस है। उसके बाद उससे लेस, उसके बाद उससे लेस, और सबसे लास्ट में मैंने वो टर्म लिखी जिसमें सबसे लीस्ट पावर है, सबसे कम पावर है। अब यहां पर बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपलसरी नहीं कि आपने इसको पावर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही राइट करना है। आप इनके जो प्लेसेस हैं, जैसे यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 3 जो है वो मैंने फर्स्ट प्लेस पर लिखा है, 2x² ये सेकंड प्लेस पर, फिर एक्स और फिर 1, इस टाइप से ही मैंने एक्स लिखा है मैंने थर्ड प्लेस पर और 1 मैंने लिखा है फोर्थ प्लेस पर। अब इनके प्लेसेस भी हम चेंज कर सकते हैं या चेंज की फॉर्म में हमें देखने को भी मिल सकता है। तो इस पी ऑफ एक्स को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, 2x² प्लस एक्स प्लस x³ प्लस 1, तो भी मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, एक्स प्लस 2x² प्लस x³ प्लस 1, तो भी ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, 1 प्लस x² प्लस एक्स 2x² और प्लस एक्स, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं है कि पावर्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखें या फिर हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखें, आप टर्म्स को अल्टरनेटिवली भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म आती है पॉलिनोमियल्स की। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जहां तक 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको 3 या 4 टाइप्स ही देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइप हमें कौन सी मिलेगी? फर्स्ट टाइप आपको मिलेगी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड टाइप आपको क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड टाइप आपको क्या मिलेगी? थर्ड टाइप आपको मिलेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ जो टाइप है वो आपको मिलेगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस ये 3-4 ही टाइप्स हैं जो हमें 10th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगी। इससे ज़्यादा और भी आती है, बाई क्वाड्रेटिक के बाद 6, 7, 8, 9 और अप टू 10 तक, ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनकी टाइप्स बताने से पहले मैं आपको इनका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, कि वेरिएबल की जो पावर होती है, हमने सबसे स्टार्टिंग में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। वेरिएबल को हमने मोस्टली डिनोट करते हैं एक्स वाई और जेड से। इन वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो पावर हमारे पास क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 3x+1, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी है? 2 है।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, यानी कि हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर पॉलिनोमियल की। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, मैंने लिखा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, जिसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल मैंने दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या हुई, लीनियर पॉलिनोमियल हुई। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2, जिसे पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या हो, 2 हो, वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+1, ये हमारे पास क्या हुई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड केस के अंदर मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिजल्ट बताया, वो होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या हो, 3 हो, वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने लिखा, जनरली ही मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1x^3 प्लस a2x^2 प्लस a3x, और प्लस में कितना लिख दिया मैंने, a4। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक के बारे में, ये होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4, ऑफ डिग्री इज 4, जिसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 4 हो, वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1x^4 प्लस a2x^3 प्लस a3x^2 प्लस a4x, और प्लस में क्या लिख दिया मैंने, a5। तो ये हमारे पास हुई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल ये दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x², तो ये मैंने आपसे ये पूछा कि ये कौन सी टाइप है, तो आपका आंसर होगा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है, तो इसकी जो पॉलिनोमियल की जो टाइप्स होगी, वो टाइप्स हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब कुछ बच्चे यहां पर ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो इनको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा था, सबसे पहले लार्जेस्ट पावर लिखी, 2 पावर लिखी, उसके बाद वो वेरिएबल लिखा जिसके अंदर पावर 1 है, फिर वो वेरिएबल लिखकर जिसके अंदर पावर आपके पास क्या है, 0 है। अब यहां पर भी ये जो पी ऑफ एक्स जो मैंने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एग्जाम्पल लिया है, मैंने ओनली ने एक ही टर्म लिख दी इसके अंदर 2x^2, बाकी टर्म कहाँ है, बाकी टर्म इसके अंदर 0 है, उनको मैंने किस टाइप से लिखा, प्लस 0x और प्लस 0। अब यहां पर 0 और 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करवाते तो 0 आता है, ऐड करवाते तो आपके पास 0 को 0 में ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0 को किसी 0 के अलावा किसी नंबर में ऐड करते हो तो वो नंबर आ जाता है। तो यहां पर जब 2x² को प्लस 0x और प्लस 0 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 2x² बचता है, और जो कि ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता था वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो डिग्री तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, वो हमारे पास क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, मैंने फर्स्ट
फर्स्ट एग्जांपल लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए 2, यहाँ पर इसको लिख दिया ए 1, ए 2 एक्स रेज टू पावर 2 और प्लस डी, मैंने ये लिखा। यहाँ पर ए 1, ए 2 और डी ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 4। यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल के अंदर जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो हमारे पास कितनी है, 4 है। और हाईएस्ट पावर ही हमारे पास क्या होता है, डिग्री होती है पॉलिनोमियल। अब ये तो हुआ बच्चा डिग्री का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर मान लो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने जनरली जो पॉलिनोमियल को डिनोट किया था वो हमारे पास ये रिजल्ट था, अगर हमसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए, ये जो पॉलिनोमियल मैंने राइट की है, इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए, तो उस केस के अंदर मैं क्या कहूँगा, nth डिग्री पॉलिनोमियल। ये मेरे पास क्या मिलेगा, nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट रिजल्ट आता है, हमारे पास ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब बच्चों आपने एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होंगी उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, यानी कि उतनी ही एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं, सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोज होती है, उतनी ही उसकी वैल्यू होती है, एक्स के लिए उतनी ही वैल्यू मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स के लिए जो वैल्यू मिलेंगी वो एक्स के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी, जहां पर हमारे पास ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आएगा। अब रिजल्ट आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जनरली मैंने एक पॉलिनोमियल राइट किया, मैंने पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2x प्लस 1, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स के लिए जो वैल्यू हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 1/2, √2, √3, √7.5, जो भी हम एक्स के लिए वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वैल्यू पुट करने के बाद वो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 लिया, तो हम P ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, P ऑफ 1 हमारे पास क्या होगा, 2 × 1 + 1, 2 × 1 = 2 और प्लस 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 1 के लिए P ऑफ x की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ये तो फर्स्ट केस लिया हमने। सेकंड केस हम लेते हैं, मैंने लिया x इज इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पर माइनस का 1। अब P ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, 2 × -1 + 1, 2 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1 आया। यानी कि x के लिए जो माइनस 1 जो हमने वैल्यू ली थी, उस माइनस 1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, वो वैल्यू हमारे पास हुई माइनस का 1। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि x के लिए जो हम वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर गिवन x, गिवन x के लिए हमारे पास वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो ये तो बच्चा हुआ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करवाने से पहले मैं आपको नाइन्थ क्लास के क्लास में एक चैप्टर हमने पढ़ा था इक्वेशन का, उसके अंदर हम क्या करते थे,
कि मान लो मैंने जनरली कोई भी एक इक्वेशन ली, मैंने लीनियर इक्वेशन ली, वो मैंने लिखा 2x+5 इज इक्वल टू 0, ये लिया मैंने। तो इसके अंदर अगर x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, x इज इक्वल टू -5/2। अब इस x की वैल्यू को अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मैंने लिखा 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, -5 से +5 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 0, मेरा क्या आया, आंसर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यू जिस केस के अंदर अगर इस गिवन इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वो क्या हुआ, 0 जो ऑफ द दिस इक्वेशन, वो इस इक्वेशन की 0 हुई। तो उसी टाइप से मैंने इसी एग्जाम्पल को मैंने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5। यहां पर एक्स की जगह मैं क्या पुट करूं, ये मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो एक्स की वैल्यू कुछ पुट करने से ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम इस रिजल्ट को इज इक्वल टू 0 सपोज कर लेते हैं, 2x+5 इज इक्वल टू 0। बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को 0, उसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, तो गिवन पॉलिनोमियल को आपने इज इक्वल टू 0 पुट करके यहां पर एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स की वैल्यू हम कुछ पुट करें और उस केस के अंदर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आता है, और पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x+5, तो मैंने 2x+5 को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल। अब यहां पर 5 को मैं लेके आया राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, देन इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू -5/2। अगर इस गिवन पॉलिनोमियल में मैं पी ऑफ -5/2 पुट करता हूँ तो 2 × -5/2 + 5 मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू -5/2 ये हमारे पास क्या हुई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद मैंने एक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया, मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x और +1। तो हम सबसे पहले इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x² + 2x और +1 इज इक्वल टू 0। तो हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसके फैक्टर करेंगे, x² एज इट इज, x + x + 1 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x + 1, यहाँ से +1 कॉमन लिया, x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 कॉमन आता है, x + 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू 0 है। तो इज इक्वल टू 0 कब आएगा, या तो ये फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 हो, या फिर सेकेंड फैक्टर क्या हो, इज इक्वल टू 0 हो। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने फर्स्ट फैक्टर को इज इक्वल टू 0 लिया, और सेकेंड केस के अंदर हमने इसके सेकेंड फैक्टर को इज इक्वल टू 0 लिया, दोनों फैक्टर सेम है। यहां से भी एक्स की वैल्यू -1 और यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या आई, -1 आई। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। यहां पर हमारे पास एक्स की ये लीनियर था, यहां पर एक्स की पावर जो है वो 1 थी, तो ओनली और 1 ही जीरो आई, यहां पर 2 है तो हमारे पास 2 जीरो आई। अगर टेक्निकली देखें तो यहां पर एक ही वैल्यू है -1, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर चले तो यहां पर 2 रिजल्ट है, लेकिन रिपीटेड है -1 और -1। तो बच्चों यहां पर आपने ये बात जरूर अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी 3 जीरो मिलेंगे, अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है तो उसकी 4 जीरो मिलेंगी, लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो मिलेंगे। तो ये बच्चों था आपके पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि
कि यहां पर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं, मेरे पास ये रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कि पी ऑफ एक्स मेरा जीरो बन जाए, तो वो मेरे पास क्या होता है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो अब हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई ऐसा नहीं कि किस टाइप से हमने इसको डिफाइन करना है, बस ये कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक जनरली एक रिजल्ट लिया, मैंने रिजल्ट लिया y इज इक्वल टू 2x+3, मैंने एक पॉलिनोमियल ली। इसको y इज इक्वल टू 2x+3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3। अब इस p ऑफ x को मैंने y लिया, इसको y के इक्वल सपोज किया, क्योंकि ज्योमेट्रिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें तीन ही एक्सिस मिलती है, x, y और z, लेकिन 10th में हम ओनली टू डायमेंशन ज्योमेट्री पर ही वर्क करेंगे। तो मैंने इसको y के इक्वल सपोज किया, y इज इक्वल टू 2x+3, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जहाँ तक इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग की जो बात है, तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि यू नो दैट अ रियल नंबर के इज ए जीरो, या रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, अगर एक्स की जगह मैं के लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने के वो वैल्यू बताई है, मैंने कहा अ रियल नंबर के, यहां पर एक्स की जगह अगर मैं के लेता हूं, मेरे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह मैंने क्या लिया, के लिया, तो इसको मैं लिखूंगा पी ऑफ के। रियल नंबर के इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, बट वाई आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो इंपॉर्टेंट। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमें निकालना ही पड़ेगा, क्या ये इंपोर्ट जरूरी है? तो हम कहेंगे जो हमारा आंसर होगा इस पॉइंट के लिए, फर्स्टली वी विल सी द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। तो हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या है उसको देखेंगे, क्वाड्रेटिक क्या है उसको देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है उसको देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक क्या है उसको देखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती जाएंगी पॉलिनोमियल की, 6th डिग्री, 7th डिग्री, 8th डिग्री, 9 अप टू शो ऑन तक, उनके बारे में भी हम फिर लास्ट में बात करते हैं। लेकिन 10th स्टैंडर्ड पर हमारे पास ओनली क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक तक ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसको वाई इज इक्वल टू 2x+3 को सपोज करेंगे, यानी कि पी ऑफ एक्स को हम वाई मानेंगे। अब हम यहाँ पर एक्स की पॉसिबल वैल्यू लेंगे, उस एक्स की पॉसिबल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास पाई की वैल्यू जाएंगी। तो मैंने लिखा, मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट की, जिस टाइप से हम 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे। तो दो ही वैल्यू ली, पहले यहाँ पर मैंने लिखा एक्स और यहाँ पर मैंने लिखा वाई। अगर एक्स की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ, तो 2 2 जा 4, -4 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -1। अगर x की वैल्यू 2 लेता हूं, तो 2 2 जा 4 और +3, मेरा रिजल्ट कितना आया, 7 आया। अब इन वैल्यूज को जो है हम डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्टली हम x की वैल्यू -2 और उसके बाद x की वैल्यू -1, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली, एक मैंने ली y एक्सिस और एक लाइन ली मैंने x एक्सिस, इसको मैंने नाम दिया ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैंने एक्स डैश लिया, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और यहाँ पर वाई डैश एक्सिस, ये जहाँ पर दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन ओ से डिनोट करती है। इसके कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 और 0 होती है। अब सेम इंटरवल पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट डिनोट किया, +1 +2 +3, -1 -2 -3, अबव द एक्स एक्सिस आर द वैल्यूज ऑफ द वाई इज पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड टू द वाई एक्सिस आर द वैल्यूज ऑफ द एक्स इज पॉजिटिव। तो इसे एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे तो +1 +2 +3, बिलो लेंगे तो -1 -2 और -3। इतना आपने जरूर ध्यान रखना है कि सेम
इंटरवल्स पर आपने वैल्यू जो है वो लेनी। अब यहां पर मैंने डिनोट करना था सबसे पहले किसको, मैंने डिनोट करना था x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू मैंने ली -2, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y की वैल्यू है मेरे पास से 1, और y की वैल्यू मैंने कितनी ली -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू मैंने 2 ली, एक लाइन ग्राफ प्लॉट किया एट x इज इक्वल टू 2 के लिए, y की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू हमें 7 ऊपर तक इसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, ये होगा 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 के लिए हमारे पास है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो हमें ये एक पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। ये जो दोनों पॉइंट हैं, अगर आप इसे को ग्रिड ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये तो हमने इसको ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जहां तक इसकी जीरोज की बात है तो जीरोज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 2x+3 इसको हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हमने 2x+3 को इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3/2, यानी कि x की वैल्यू तो है -3/2 और y की वैल्यू 0। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं ग्राफ के अंदर -3/2 और 0, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आएगा, तो उस केस के अंदर ये आपको पॉइंट कुछ से यहाँ मिलेगा, x की वैल्यू -3/2, ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0। तो हमने जो पॉलिनोमियल की जो जीरो थी उस जीरो को हमने ज्योमेट्रिकली क्या किया, रिप्रेजेंट किया, उसको ग्राफ के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया, इसको शो करके दिखाया। तो यही मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की जीरो है वो पॉलिनोमियल की जीरो जो पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने वाली जो लाइन बनेगी या कर्व जो बनेगी उस कर्व के ऊपर वो जीरो लाई करेगी, और उस जीरो को हम ग्राफ में भी क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वो थे जो एक्सरसाइज 2.1 में यूज होंगे, तो आपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए